ये सारण की घटना है, कल की घटना आप सब जानते हैं, परसों की घटना से भी आप वाकिफ। एक दिन बता दीजिए जिस दिन बिहार में हत्याएं ना हो रही हो, मतलब एक टोटल कोलैप्स का, जो एक बेहतरीन, जिसको कहते हैं अद्भुत उदाहरण है, टोटल कोलैप्स। चिंता इस बात की नहीं है मुझे, मेरे लिए आसान है कि मैं ब्लेम करूं, लेकिन सरकार कौन चला रहा? अगर सरकार सेवानिवृत्त अधिकारी चला रहे या एकाध दो मंत्री मिलकर चला रहे, तो जवाबदेही के लिए कहां जाए इंसान? क्यों ऐसा हो गया कि बिहार में कोई व्यक्ति, मैंने बार बार कहा, सुरक्षित नहीं है? बच्चियां स्कूल जाती हैं, पिता माता इंतजार करते हैं, हे ईश्वर सुरक्षित वापस आ जाए। ये परिस्थितियां उचित नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये टोटल कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का उदाहरण है। सर, 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी ऋतु में, तो एक परसेप्शन था या एक मानसिकता बनी थी कि विकास होगा और कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त होगी, फिर चूक कहां हो जा रही है? देखिए, मैं सीधी बात कह रहा हूं कि आपके सवाल में ही थोड़ी विसंगति है। एक परसेप्शन था, ये परसेप्शन बनाया किसने भाई? ये परसेप्शन चार पांच मीडिया के टॉप लोगों ने इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर बनाया, क्योंकि लालू जी ने उनकी सत्ता से उनको बेदखल कर दिया था, सत्ता से ही नहीं, संस्थानों पर जो वर्चस्व था उससे बेदखल कर दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि चीजें गुलाबी गुलाबी थी, लेकिन इतनी हालत खराब नहीं थी। आंकड़े तो अपनी जुबानी बोलते हैं ना, उन आंकड़ों की भी पड़ताल होनी चाहिए। तो परसेप्शन मैनेजमेंट से बहुत दिन चल लिए नीतीश जी, लेकिन अब मुझे दुख है इस बात को कहने में कि शायद वो अनभिज्ञ हैं कि हो क्या रहा है, और उनकी अनभिज्ञता बिहार की सामूहिक चिंता का कारण बनना चाहिए। सर, कल गृह मंत्री अमित शाह जी महेंद्रगढ़ में, तो वहां पर उन्होंने एक तरफ से दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार फुल मेजोरिटी में सरकार बनाएगी, दूसरी तरफ उन्होंने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है तो उसने हमेशा ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ काम किया है और वो रिजर्वेशन स्नैच करके मुस्लिम्स को देने की अब कोशिश की जा रही है कर्नाटक। मैं आपको एक बात कहूं, अमित शाह जी की आरक्षण, सामाजिक न्याय, संवैधानिक जो पृष्ठभूमि है आरक्षण और सामाजिक न्याय की, उसकी उनको बिल्कुल जानकारी नहीं, उनको पढ़ना चाहिए। देश के गृह मंत्री है, और देश के गृह मंत्री का काम होता है देश को सुरक्षित रखना, आग लगाना नहीं, नंबर एक। नंबर दो, मंडल कमीशन, मैंने बार बार चुनाव के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मंडल कमीशन के अंदर अलग अलग धर्मों को आरक्षण है। मैं बता रहा हूं, मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, आधार क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक। संवैधानिक पृष्ठभूमि क्या है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। वो तमाम जातियां जो पेशे से, नाम से जानी जाती है, वो मंडल कमीशन में है, चाहे हिंदू हजाम हो या मुसलमान हजाम हो, अमित शाह जी को जानकारी नहीं है। और आंध्रा के बारे में क्या कह रहे हैं? चंद्रबाबू के कृपा पर चल रहे हैं, गृह मंत्री उनकी कृपा पर है, वहां भी कोई टिप्पणी करें? देश के गृह मंत्री का काम होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, कॉन्फिडेंस शेक करना नहीं। दुर्भाग्य है कि जिस पद पे हुआ है उस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और ये दुर्भाग्य देश की कहानी कह रहा आज के दिन। सर, कश्मीर में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, हो गए, आप लोगों का सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि घर में घुस के मारेंगे, अभी क्या हो रहा है? महबूबा मुफ्ती कहती है कि हमारे यहाँ देश भर से नौजवान आते हैं ऑफिसर बन करके, सोल्जर बन करके, और इधर से कफन में लिपट करके जाते हैं, देश की सीमा की सुरक्षा किसके हाथों में, कौन जवाब दे? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इन्होंने क्या कहा उस पर मेरी टिप्पणी मत लीजिए, वो उनका दायरा है, उनकी सोच, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है, मैंने कल भी कहा था, ये सारी घटनाएं जम्मू संभाग में हो रही है। जो व्यक्ति हरियाणा में भाषण दे रहे थे ना, उनको पूछा जाना चाहिए कि वो क्या क्या कह रहे थे। 370 हटेगा तो बाप रे बाप, ऐसी नॉर्मेलिसी की बाहर आएगी कि पतझर कभी आएगा ही नहीं। क्या हो रहा है? तिरंगे में लिपटा शव आता है, हम श्रद्धांजलि देते हैं,
आपकी एजेंसी मुझसे सवाल पूछती है, मैं प्रतिक्रिया देता हूं, लेकिन उन घरों के जिनके चिराग बुझ गए उसके बारे में क्या चिंता है भाई, क्या चिंता है? आप डीजीपी से पॉलिटिकल बयान दिलवा देते, आप तो खुद सरकार में रहे हैं वहां, मतलब कोई तो जवाबदेही हो, कोई तो उत्तरदायित्व हो, बक शुड स्टॉप समवेयर। कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हम हाथ जोड़ के कहते रह गए कि वो जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था पुलवामा में, उसकी रिपोर्ट कहां है? क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है? ये सारे मसले जो सीमा से जुड़े हुए हैं, चाहे चाइनीज सीमा से ही या पाकिस्तान की सीमा से, ये राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है। इसको पक्ष विपक्ष में मत बांटिए, सबसे संवाद करिए, एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए। सर, एक बयान है दिग्विजय सिंह का, लोग किस तरह से मैसेज कन्वे करते हैं और किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का काम करते हैं। आप उनके बयान के संदर्भ को समझिए, वो बेसिकली हो सकता है कैडर बेस्ड जो मैसेजिंग होती है उसकी संभावनाओं को उन्होंने कहा होगा। मुझे कतई नहीं लगता, जितना मैं दिग्विजय जी की राजनीति को जानता हूं, कि वो वैचारिकी रुझान के लिए तो कतई नहीं बोल रहे होंगे, कहां से बोल देंगे। लेकिन हाँ, वो ये कह रहे होंगे कि जिस प्रकार मैसेज कम्युनिकेट होता है नागपुर से, अगर उस तरह का स्ट्रक्चर बनाने में हम कामयाब हो, मैं उनके बयान की में जो संभावनाएं रही होंगी उस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा होगा। सर, संसद का मॉनसून सेशन और पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है सरकार की तरफ से, अगर विपक्षी दलों की तरफ से देखे तो क्या इश्यूज? देखिए, पहला इश्यू है कि सरकार को अहंकार त्यागना होगा। ये मैंडेट अहंकार का नहीं है, ये मैंडेट लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में सामूहिकता की बहाली का है। दूसरे, देश के समक्ष विकराल समस्याएं क्या है, मणिपुर से लेकर कश्मीर, चाइना, बेरोजगारी, किसानों की अद्यतन स्थिति, अगर इन पर संसद पहल नहीं करेगी तो क्या संसद का काम है ऑर्केस्ट्रा में शामिल होकर के कहे अरे साहब आपका तो डंका बज रहा है, आपका तो डंका बज रहा है ना? सर, इसमें जो बजट आना है तो, और जिस राज्य से हम लोग आते हैं वहां पर लोगों को रेल से बहुत उम्मीदें होती है, अगर एक्सपेक्टेशन अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि रेल को लेकर के दृष्टिकोण साफ करना होगा। आप रेलवे की हालत देखिए, एक तरफ वंदे भारत आप ट्रेन चला रहे हैं और जो ट्रेन्स जो मैक्सिमम लोड कैरी करती है पैसेंजर्स का, उनकी क्या स्थिति है? जो विजुअल्स हम और आप देख रहे हैं वो विजुअल्स क्या रेलवे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं देख रहे? भेड़ बकरी की तरह लोग लाद के ले जा रहे हैं। मतलब दोयम दर्जे की नागरिकता हम सुना करते थे, आपने तो बना करके रख दिया। मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सारी वंदे भारत वाली सुविधाएं दीजिए, लेकिन हमें हमारा पुराना रेल लौटा दीजिए। रेल सुरक्षा को लेकर के आप महत्वपूर्ण चीज बताओ, पिछले बजट में कवच के लिए कहा गया था 2000 किलोमीटर वगैरह वगैरह, पूछना चाहेंगे कि 2 किलोमीटर बढ़ा है कवच का मामला या सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट पर चलेगी? ये सारे प्रश्न है। एक सर आखिरी सवाल है, ये भी एक बयान है जिसका प्रसाद मौर्य, उनका कल का बयान है, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे बड़ा होता है, सरकार से भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जो पार्टी वर्कर्स का पेन है वो मेरा दर्द है और पार्टी वर्कर्स ही हमारा प्राइड है। क्या नहीं, नहीं, मैं देख रहा हूँ कि दर्द देख करके हम दर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं, किनके दर्द के वो हम दर्द बन रहे हैं आजकल ये कहानी पूरे दिल्ली से लेके लखनऊ तक चल रही है। लेकिन जो ये कोशिशें कर रहे हैं, मुझे तो साफ तौर पे मैं कह दूं कि ये जो हमदर्द का एक कोना तलाश रहे हैं ना, उससे बड़ा कोना उधर है।